32 जब हम बात करते हैं डिमांड की डिमेंड इज एंड एबिलिटी टू बाय अगेंस्ट प्राइसेस में जो आपके सामने एक डायग्राम में मैं शो कर रहा हूं हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्वांटिटी फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले रहे हैं और जो आपके पास वर्टिकल एक्सेस है वहां पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेज ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल दैट प्रस इन दार्केट And this downward sloping curve indicate willingness and ability to buy for organic vegetable against different prices. Up here, if price of the organic vegetable is 600, consumer is willing to have only one unit of organic vegetable. Against price of 500 rupees, consumer is willing to have two units of organic vegetable. कि दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बेसिकली रिपोर्ट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेस लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कंज्यूमर तो पे वो करता है, जो में की जाती है. अगर प्राइस मार्केट में प्रिवेल करे टू हंड्रेड रुपीज तो कंज्यूमर क्या पे करेगा कि फॉर फर्स्ट यूनिट ऑफ जिसके लिए वो फाइव हंड्रेडीज सिक्स हंड्रेड रुपीज पे करने के लिए तैयार था वो क्या पे करेगा ही विल पे 200 rupees so there is a difference between the price willingness to pay and what a consumer actually pays Java here to difference between willingness <laughs> to pay and actually what a consumer pay is called that is called as consumer surplus and so the area that lies below to demand curve बट अब टू मार्केट प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट उसको आप क्या कहते हो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस ये कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली इंडिकेट करता है वेल बींग ऑफ कंज्यूमर को कंज्यूमर सरप्लस है क्या बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन वट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड वट आर कंजूमर एक्चुअली पेज इन द market if there is any change in the market prices because of that change in market prices there is change in consumer surplus if market prices increases in the market if market price increases in the market it will decrease the consumer surplus consumer surplus and similarly देयर इज अ डिक्रीज इन मार्केट प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर मॉडिटी के जी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की प्राइस क्या हो गई मेरी है कि वो डिक्रीज हो गई क्या मार्केट प्राइस पहले आपके पास टू हंड्रेड रुपीज थी अब क्या हो गई हंड्रेड रुपी अगेन क्या होगा वेन देयर इज अ चेंज इन मार्केट प्राइस देयर इज अ चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस वेन मार्केट प्राइस डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन मार्केट प्राइस देअर इज इनक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस और इस केस में अगर मैं प्रीवियस के रेफरेंस में बात करूं जब प्राइस मार्केट में 200 थी तो कंज्यूमर सरप्लस क्या था एरिया दैट वी विनोट विद ए बी सी के ट्रायंगल ए बी सी रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर सरप्लस वेन मार्केट प्राइस इज टू हंड्रेड लेकिन जब मार्केट प्राइस हंड्रेड रुपी हो गई देन कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया देन कंज्यूमर सरप्लस इज ए डी ई और ये जो ए डी ई है ये क्या है दिस एरिया इज लार्जर के अंडर न्यू मार्केट प्राइस एरिया दैट लाए बिलो एंड अबव मार्केट प्राइस वो क्या है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू एरिया दैट लाए बिटवीन ए बी एंड सी एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस वो क्या इंडिकेट करेगा इट इंडिकेट देयर इज इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर अगर मैं इस सारे को अब समराइज कर दू तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली इंडिकेट दैलफेयर ऑफ द कंज्यूमर हु आर बाइंग इन अ पर्टिकुलर मार्केट इफ देयर इज इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस हम कहते हैं कि जी वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो रही है इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो रहा है लेकिन अगर हमें लगे कि जी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा देयर इज अ डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस